हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 3 रुपए 10 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 4% के करीब की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पे चले तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर पीछे के 1 हफ्ते में इस स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिली है और 1 महीने में इस स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 102 रुपए। 102 रुपए इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा, जहां पर देखें तो इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 66 रुपए 50 पैसे। 66 रुपए 50 पैसे इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 66 रुपए 50 पैसे के बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 105 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो तो अराउंड 74 रुपए 30 पैसे के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 80 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में देखें तो ऊपरी लेवल पर एक दबाव देखने को मिल रहेगा, इसलिए आपको एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।